हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 4.9 पे हैं और क्वेश्चन नंबर है 8। क्या कह रहा है कि इफ जीबा वेयर यंगर बाय 5 इयर्स देन व्हाट सी रियली इज, देन द स्क्वायर ऑफ हर एज इन इयर्स वुड हैव बीन 11 मोर देन 5 टाइम्स हर एक्चुअल एज, व्हाट इज हर एज नाउ। चलिए क्वेश्चन को थोड़ा समझ लीजिए क्या कह रहा है कि जीबा जो है 5 ईयर यंगर, अगर उसका एज लिया जाता है, उसके जो रियली एज है मतलब उसका एक्चुअल में जो एज है उससे 5 ईयर यंगर लिया जाता है और उसका स्क्वायर किया जाता है तो वह किसके इक्वल हो जाता है, तो 11 मोर देन 5 टाइम्स हर एक्चुअल एज। तो इसका हमें एक्चुअल एज प्रेजेंट एज निकालना है, एक्चुअल एज कहिए या प्रेजेंट एज कहिए वही निकालना है। ध्यान ले लेते हैं कि लेट द एक्चुअल एज ऑफ जीबा इक्वल टू में एक्स ईयर्स ले लेते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसका 5 ईयर यंगर कर देते हैं और इसका स्क्वायर करते हैं तो ये किसके इक्वल हो जा रहा है, 11 मोर देन 5 टाइम्स और एक्चुअल एज। तो एक्चुअल एज एक्स है तो इसका 5 टाइम्स में हम लोग 11 ऐड कर देते हैं। चलिए इसे सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 2 इंटू में एक्स इंटू 5 प्लस 5 का स्क्वायर, और इसको इधर लाते हैं, माइनस का 5x माइनस 11 इक्वल टू में 0। यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 10x और यहाँ प्लस का 25 माइनस 5x माइनस 11 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 15x प्लस का 14 इक्वल टू में 0। चलिए अब इसका हम लोग यहाँ पर फैक्टर कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 14x माइनस का x प्लस का 14 इक्वल टू में 0। अलग अलग यहाँ काउंट करते हैं, x कॉमन करेंगे x माइनस का 14 और यहाँ माइनस 1 कॉमन करेंगे, यहाँ भी x माइनस का 14, दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया। x माइनस 14 को कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ x बच जाएगा, यहाँ माइनस 1 इक्वल टू में 0। अब यहाँ से इसे अलग अलग कर देते हैं तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 14 इक्वल टू में 0 और x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू यहाँ से 14 आ जाएगा और यहाँ से 1 आ जाएगा। तो जो एज इसका एक्चुअल एज होगा वो तो 1 नहीं होगा ना, है ना, क्योंकि 1 लेंगे तो 5 ईयर अगर पीछे जाएंगे, 5 ईयर यंगर की बात करेंगे तो निगेटिव हो जाएगा। इफ x इक्वल टू 1 देन 5 ईयर्स यंगर एज ऑफ जीवा इज निगेटिव, therefore x का वैल्यू हम लोग क्या लेंगे, 14 लेंगे, यहाँ ये 1 नहीं लेंगे, तो यहाँ पे लिख सकते हैं hence the actual age of जीवा 14 years। ठीक है, समझ गए, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए।